पुरनपुर मंडी समिति में इस बार 15वां गुड़ मंडी में 4 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं आधे अधूरे संसाधनों के चलते धान की तौल शुरू कर दी गई है। संयुक्त मोर्चा के किसान कार्यकर्ताओं का धान RFC फर्स्ट पर नहीं तोला गया, जिसको लेकर किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। किसानों का आरोप है कि केंद्र प्रभारियों ने धान में नमी को बताते हुए धान को रिजेक्ट कर दिया गया है। वहीं किसानों ने इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। पुरनपुर मंडी समिति में क्रय केंद्रों पर धान लेकर पहुंचे किसानों का धान ना तुलने व मानक अनुसार ना बताकर क्रय केंद्र सेंटरों से वापस कर दिया गया। वहीं धान को लेकर मंडी पहुंचे किसानों ने इस बात का विरोध किया तो सेंटर प्रभारी और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इतने में सेंटर पर कई किसान एकत्रित हो गए। बड़ी संख्या में एकत्रित होते ही उन्होंने मंडी गेट को बंद करते हुए माधो टांडा रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया और धरना प्रदर्शन करने लगे। धान की तोल न होने से गुस्साए किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसानों के जाम लगाने की सूचना मिलते ही अधिकारियों में खलबली मच गई। SDM रामस्वरूप, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र विक्रम सिंह, कोतवाल राम सेवक रघुवंशी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं काफी देर तक किसान मंडी गेट को बंद कर रोड को जाम कर हंगामा करते रहे। इधर SDM CO किसानों को समझाने का प्रयास करते रहे पर कोई भी निर्णय नहीं निकल सका। फिलहाल किसान बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रोड पर जाम लगाए हुए हैं। सुबह से किसान ट्रॉलियां लेके आए थे। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि आज 1 अक्टूबर से धान की खरीद स्टार्ट हुई है, तो सूखे धान को लेके आए थे किसान और उसमें सबसे पहले उसमें डस्टर लगवाया गया। पहले तो खरीदने की मंशा ही नहीं थी, पहले तो उन्होंने उनको गुमराह किया गया कि अभी देखते हैं, अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है। जैसे मेरे को जानकारी हुई तो मैंने SDM साहब को सूचित किया तो उन्होंने कहा कि अभी व्यवस्था करवा दी जाएगी डस्टर की और जो बिजली वगैरह के बोर्ड है तत्काल सही करवाए गए और डस्टर लगवाया गया। उसके पश्चात जब डस्टर लग गया धान में तो तोलने का समय आया तो उसका एनालिसिस करने लग पड़े, उस धान को रिजेक्ट कर दिया गया। धान बहुत अच्छा था, नमी उसकी 15% थी। सरकार ने जो नमी का एक परसेंटेज तय किया हुआ वो 17% नमी का धान लिया जा रहा है, लेकिन जो किसान लेके आया था वो 15% का था। उस धान को रिजेक्ट कर दिया गया जो कि बहुत अच्छा था। उसका कारण पूछा गया तो कह रहे हैं इसमें चावल है, देखा गया तो उसमें चावल भी नहीं है। अब SDM साहब मौके पे जब धरना लग गया है मंडी गेट के सामने, किसान इकट्ठे होके बैठ गए, चक्का जाम कर दिया है, माधो टांडा रोड जाम है, तो SDM साहब पहुँचे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस धान को कल 5 व्यक्तियों की एक टीम बनाकर उस धान को चेक करके और तोल दिया जाएगा। तो फिर जो एक नियम है कि 4 बजे के बाद में उस टोकन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर वो अगर टोकन रिजेक्ट हो जाता है तो वो धान किस तरह से, उस धान को एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी। पहला नंबर पे तो ये अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और अगर इसी तरह अधिकारी गुमराह करते रहे तो किसान बड़े आंदोलन के, गाजीपुर का आंदोलन जो चल रहा वही पूर्णपुर में मंडी समिति पूर्णपुर के गेट के सामने किसान आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। जो सरकार कह रही है, दावा कर रही है किसानों का फसल खरीदने के लिए कि हम किसानों को भली भांति उनका जो समर्थन मूल्य देंगे, आज पहले दिन ही उसका चेहरा नंगा हो गया। पहले बात तो उनके पास बारदाना मौजूद नहीं था, जब बारदाना उपलब्ध हुआ तो उनकी मशीनें काम नहीं कर रही क्या, और कह रहे हैं कि हमारी मशीनों में काम चल रहा है, उनका काम सही किया जा रहा है। और उसके बाद में ये देखिए सोने जैसा धान जो रिजेक्ट कर दिया, अगर जय जान धान नहीं तुलेगा तो ऐसा कौन सा अडानी ने मोदी के हाथ में जो सैंपल भिजवाया वो यहाँ पे टलवा दिया जाए, किसान देख ले कि इससे मैच करता है तो अंदर जाए, अगर उस धान से मैच नहीं करता तो हम लोग अपना वापस ले जाए। पर अगर जिस सरकार की मंशा है कि किसान ऐसा करेंगे उनके सैंपल के बराबर में सैंपल लाके तुलवाएंगे नहीं, जो धान यहाँ किसान ने पैदा किया है 50 किलो की टंकी अपने कंधों पर उठाकर घुटनों के बल चला है खेतों में, वो बिल्कुल जो इनको फेल नहीं होने देगा, अपना एक एक दाना तुलवा के जाएगा, चाहे उसके लिए हमें जितने दिन साइकिल चले सड़कों पर रहना पड़े, जब तक हमारे किसान का एक एक दाना नहीं तुलेगा हम लोग यही ऐसे बैठे रहेंगे। जब तक इस धान का हल नहीं निकलता, इसको क्यों रिजेक्ट किया गया है, तब तक हम लोग ऐसे ही रोड पर बैठे हैं।
और इसको बताए ये क्यों फेल किया गया है, क्योंकि इसमें पैसे नहीं दिए गए। उन्हें पता आज पहला दिन हमारी गोदी खराब हो जाएगी, किसान पैसे नहीं देंगे, इसलिए इसको फेल किया गया। उसके अलावा कोई कारण नहीं है इनके पास। अविनाश कुमार उर्फ चंदू जी की ओर से विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर कथारा क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।